Hello students, as you know, we had started chapter 13, surface area and volume. Or in previous video lecture, we had completed exercise 13.1 and up to question 5 in exercise 13.2. Now, we will discuss next question, question number 5. Question number 4 tak humne complete kar diya hai and that is based on वॉल्यूम. ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इक्वेशंस अच्छे से लर्न हो गए होंगे. तो अगर आपको इक्वेशंस आते हैं तो इक्वेशंस बहुत इजी होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो इक्वेशन नंबर 5 है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो अच्छे से ध्यान देना. समझने में इजी है और एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली कर लोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ विसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कॉन. Its height is 8 cm. Inverted cone, that means यहाँ पे हमें ऐसे उल्टा कॉन दिया हुआ है. विसल कैसे फॉर्म में है? ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, वैसे है. ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस क्या है? जो उसकी रेडियस है, टॉप रेडियस है, वो क्या है? 5 सेंटीमीटर. एंड हाइट में यहां पे लिखेंगे फॉर कॉन हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. अप टू द ब्रिम दैट मींस लास्ट तक उसका जो उसकी सरफेस होती है वहां तक उसका क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है. व्हेन ही सॉर्ट्स ईच ऑफ व्हिच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे लीव सॉर्ट की बात हो रही है. ठीक है, लीव सॉर्ट मीन्स जो स्फीयर होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर होते हैं. ठीक है, वैसे जैसे कि आप मार्बल्स देखे होंगे वैसे. ठीक है, अलग अलग साइज के होते हैं. यहाँ पे फॉर स्फीयर भी लिख लेते हैं. रेडियस क्या है स्फीयर की? 0.5 सेंटीमीटर. आर ड्रॉप्ड इनटू द विसल. वो लीव सॉर्ट को किसमें डाला हुआ है? विसल में डाला हुआ है. 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. कितना पानी बाहर निकल गया? आपको पता है कि अगर पूरा विसल पानी से भरा हुआ है तो अगर हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो वो क्या होगा? फ्लो आउट होके बाहर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है. 1/4 ऑफ वाटर बाहर आ गया. जो टोटल विसल भरा था उसका 1/4 बाहर आ गया. फाइंड द नंबर ऑफ रिसोर्स. यहाँ पे हमें कोई भी वॉल्यूम फाइंड नहीं करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड द नंबर ऑफ रिसोर्स ड्रॉप्ड इन द विसल. हमने कितने अंदर लीड शॉट डाले तो 1/4 पार्ट का पानी बाहर आ गया. वो नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड करना है. ठीक है, तो एक चीज समझिए स्टूडेंट, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते एक बार कि क्या बोलना चाहते हैं. यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड कॉन में विसल दिया हुआ है. विसल पूरा क्या है? पानी से भरा हुआ है. एंड इसमें क्या डाला है? लीड शॉट्स, छोटे छोटे लीड शॉट्स डाले हुए हैं. ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड? नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड करना है कि जैसे करके जो विसल का 1/4 पानी है, 1/4 पार्ट का जो पानी है वो बाहर आ गया. ठीक है, अभी एक चीज आप अज्यूम कीजिए, अगर लीड शॉट की साइज बड़ी होगी तो नंबर कितने होंगे? कम होंगे. जैसे कि आपको पता है कि एक पानी से भरी हुई बकेट को, ठीक है, उसमें आप बड़ी साइज का पत्थर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? पानी ज्यादा बाहर आ जाएगा. और साइज छोटी होगी तो कम पानी बाहर आएगा. ठीक है, ये सब आप साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ विसल, की विसल में टोटल कितना पानी था. उसके बाद हम क्या करेंगे? जो टोटल वॉल्यूम मिला, जो टोटल हमें कैपेसिटी मिली, उसका 1/4 कर देंगे क्योंकि बचा है उतना ही. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ विसल इज इक्वल टू, यू नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि विसल क्या है? कोन. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर. नाम 1/3, अभी पाई को हम ऐसे ही रखेंगे. क्यों?
वो आपको बारे में पता चलेगा क्योंकि हम पाई का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ रेडियस आर स्क्वायर दैट इज 5 × 5 एंड हाइट 8, ठीक है। सो 5 × 5 = 25, 25 इज 200 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्या आया 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो उतना इसमें पानी होगा। अभी क्या है कि 1/4 ऑफ, यहाँ पे हमने दिया था 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लोज आउट फ्रॉम द वेसल, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ वॉटर इज फ्लोज आउट फ्रॉम द वेसल, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज इक्वल, क्या होगा 1/4 ऑफ किसका, टोटल वॉल्यूम का, टोटल क्या है 200 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 × 5 = 20 दैट मीन्स 50 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ना एक काम हमारा हो गया कि पता चला कि इतना वॉटर है, ठीक है, इतना वॉटर बचा है। ना अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि जितने वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट होगा उतना उतने नंबर ऑफ आएंगे, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होगा तो आपको क्या पता है कि लीड शॉट कितने होंगे, कम होंगे। अगर लीड शॉट का वॉल्यूम कम है तो लीड शॉट के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं हम, सपोज देयर आर एक्स नंबर्स ऑफ लीड शॉट्स इन द वेसल, ठीक है। वेसल में कितने डाले हमने, एक्स नंबर, तो अभी आपको पता है एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। पता चला स्टूडेंट्स जितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स होंगे उतना ही क्या होगा, उसका वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा अभी, क्योंकि हमने पहले से 1/4 पानी को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी जो बचा होगा, जो 1/4 पानी निकल के बचा होगा उतने लीड शॉट्स होंगे, तो इस इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 50 बाय 3 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ लीड शॉट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ x मल्टीप्लाई 4/3 पाई एस इट इज, यहाँ पे क्या होगा 1/2 × 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 50/3 पाई। Why I not 1/2 here? Because you know that 0.5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10, 5 × 10, so it is 1/2. Now pi pi cut from both the sides, 3/3 cut. तो अब क्या आपको पता है जो division में है वो multiplication में जाएगा, multiplication में है वो division में. So 2 × 2 = 4, तो बचा क्या सिर्फ 2. तो यहाँ पे लिखेंगे हम x is equal to 50 × 2, that means x is equal to 100. So यहाँ पे लिखेंगे, so there are 100 lead shots in the vessel. कितने lead shots होंगे, 100, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, फिर से समझिए क्या किया हमने,
व्हाट वी हैव गिवन, हमें एक बिसल दिया हुआ था, बिसल के अंदर क्या डाला हमने, लीड शॉट्स डाले, तो कितना पानी बाहर आ गया, 1/4 पार्ट का पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, कितने लीड शॉट्स हमने बिसल में डाले, नंबर ऑफ लीड शॉट्स वी हैव टू फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, बिसल का वॉल्यूम फाइंड किया ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर कितना पानी था। उसके बाद हमने क्या किया, हमें जो बोला था वो कि 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोस आउट फ्रॉम द बिसल, तो 1/4 पानी को बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, 50 pi by 3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू नो दैट कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिसल्स। नाउ x मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जितना पानी बाहर निकल गया है उतना स्पेस किसने रोक लिया, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ने, तो इसी वजह से हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। सो x मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब 50/3 पाई कट फ्रॉम बोथ ही साइड। इसीलिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, ठीक है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 13.3 के कॉन्सेप्ट पे है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है, बाकी आपकी जो एक्सरसाइज 13.3 है पूरी ऐसे क्वेश्चंस पे ही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन रखा एंड देन वी गॉट आवर आंसर एंड दैट इज 100। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। Now see student question number 6, what we have given, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या है, एक दूसरा सिलेंडर सर माउंट किया है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन एप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, मास ऑफ द पोल, और यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम मास है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का बोला है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बिकॉज देयर आर टू सिलेंडर्स, तो हम दोनों का साथ में फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू बोली हुई है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, तो हम वो ही वैल्यू लेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं डेटा लिखने का, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिलेंडर 1, यहां पे लिखेंगे फॉर सिलेंडर 2, तो फॉर सिलेंडर 1 हाइट इज 220 सेंटीमीटर, तो h1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, डायमीटर भी हम गिवन, तो r1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट मींस डायमीटर इज 24 डिवाइड बाय 2, सो 12, इट इज 12 सेंटीमीटर। h1 आर आर लिख लिया, व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, तो यहां पे पहले फिगर भी बना लेते हैं, जैसे कि एक ये है सिलेंडर,
उसके ऊपर ये सिलेंडर है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर H2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड द मास ऑफ द होल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास हमें क्या करना है मास ऑफ द होल फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द होल क्लियरली वी कैन क्लियरली सी दैट देयर आर टू सिलेंडर्स तो हमें सिर्फ क्या करना है दोनों सिलेंडर को ऐड करना है यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू नाउ एज यू नो दैट व्हाट इज इक्वेशन पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू बिकॉज बोथ रेडियस एंड हाइट आर डिफरेंट तो यहां पर हमने क्या किया पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू नाउ पाई इज कॉमन फ्रॉम बोथ दी साइड्स तो पाई को कॉमन ले लेंगे आर वन स्क्वायर एच वन प्लस आर टू स्क्वायर एच टू पाई इज 314 अपॉन 100 आर वन स्क्वायर R1 square क्या है दैट मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू एच वन 220 प्लस R2 स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू एच टू 16 नाउ एज यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 प्लस 144 इंटू 220 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 इंटू 16 सो 314 अपॉन 100 नाउ डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 144 मल्टीप्लाई 20 टू 0 2 4 side, 2 1 side, 2 plus 2 4 side, 2 4 side, 2 1 side, 2. So 8 plus 8 16 carry 1, 8 plus 1 9 plus 2 11 carry 1, 2 plus 1 3. So 31,680 plus 64 6 are 4 6 are 24 carry 2, 6 6 are 36 plus 2. 3840 now do addition 8 plus 4 12 carry 1 6 plus 1 7 plus 8 15 carry 1 1 plus 1 2 plus 3 5 3 तो क्या आया 35,520 0 cut. Now what we have to do? We have to do multiplication. 3552 multiply 314. So 0 3 2 are 6, 3 5 are 15, carry 1, 3 5 are 15 plus 1, 16 carry 1, 3 3 are 9 plus 1, 10. 0 2 1 are 2, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 3 1 are 3, 4 2 are 8. 4 5 are 20 carry 2 4 5 are 20 plus 2 22 carry 2 4 3 are 12 plus 2 14 now 8 2 6 plus 5 11 plus 2 13 carry 1 5 plus 1 6 plus 5 11 plus 5 11 plus 4 15 carry 1 6 plus 1 7 plus 3 10 plus 1 11 carry 1 1 1 तो क्या आया 11,15,328 divided by 10
सो क्या होगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्या मिला? टोटल वॉल्यूम। बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 8 ग्राम मास। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल मास फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ दी बोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। तो 1,11,532.8 में कितना, यहाँ पे लिखेंगे 1,11,532.8 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 8 के साथ, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16 प्लस 6 22 कैरी 2, 8 3 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 8 5 14 प्लस 2 42 कैरी 4, 8 1 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 8 1 8 प्लस 1 9, 8 1 8। तो इट बिकम 8,92,262.4 सेंटीमीटर सॉरी ग्राम। अभी तो ग्राम में आ गया, अगर हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, नाउ यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 8,92,262.4 ग्राम पे कितने केजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8,92,262.4 डिवाइड बाय 1000, तो 1, 2 और 3, दैट मीन्स 892.26 केजी अप्रोक्सीमेटली लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे 1000 ग्राम पे 1 केजी एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें क्या करना था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। फिर से एक बार समझते हैं, पोल किस हिसाब से बनाया हुआ है, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरे सिलेंडर को सर माउंटेड किया है, एंड वी हैव गिवन द हाइट एंड रेडियस ऑफ बोथ दी सिलेंडर। सो वी हैव टू जस्ट मेक इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, दैट मींस पाई आर 1 स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h प्लस पाई आर स्क्वायर h, बट बोथ ही रेडियस एंड हाइट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे 1 एंड 2 लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों में डिफरेंस है। देन पाई को कॉमन निकाल दिया और ये इक्वेशन में पाई की वैल्यू हमें दी थी 3.14, तो हम वो ही यूज करेंगे 314 डिवाइड बाय 100 एंड वी गॉट अवर आंसर। उसके बाद हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो आ गया, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ दी पोल। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास यूज हुआ है, 8 ग्राम मास। ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है, 8 ग्राम। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमारा जो टोटल वॉल्यूम है उसका कितना है। तो हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो हमने मास मास ग्राम में भी फाइंड किया एंड किलोग्राम में भी फाइंड किया। एस यू नो दैट कि 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हमें हमारा किलोग्राम में भी आंसर मिल गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू स्टूडेंट्स।